बिरोल प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है न्यूरी पंचायत, जहां पर वार्ड संख्या 2 और 4 के कुछ लोग हैं जिनके सामने मैं अभी पहुंचा हूं, मौजूद हूं, इनसे मिलने आए हैं। जब बाढ़ का मैंने वास्तु स्थिति देखा, यहां पहुँच कर मैं खुद, देखिए थोड़ा इधर दिखाएं, मैं खुद पानी में खड़ा हूं और इनकी जो स्थिति है, इनका जो जीवन यापन है, आप देख सकते हैं। आने जाने के लिए वो मुख्य सड़क है जहाँ से इनका आना होता है, यहाँ पर हैंडपम्प है जिससे पानी पीना होता है। आखिर कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और इधर बाढ़ के अंचल अधिकारी, जो नोडल पदाधिकारी है जिनको बाढ़ के लिए नियुक्त किया गया है, जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बिरोल में बाढ़ का पानी नहीं बल्कि बरसात का पानी है। मैं एक बात, हमारे सामने इंद्रमोहन जी है, अभी इस वक्त जदयू की सरकार बिहार में है और उनसे जिला के युवा महासचिव भी हैं। अच्छा, क्या लगता है, जिस तरह से अंचल अधिकारी का कहना है कि बिहार में, बिरोल में बाढ़ नहीं बरसात का पानी, थोड़ा आगे आ जाइए, माइक मेरा छोटा है इसलिए कहिए, क्या लगता है कि बाढ़ है या नहीं है, अंचल अधिकारी फिर क्यों कह रहे हैं? मैं अंचलाधिकारी से यही कहना चाहता हूं कि बाढ़ कभी ऊपर से आता नहीं है, बाढ़ जब भी आता है तो बारिश के ही पानी से आता है, और यह अगर बाढ़ नहीं तो क्या है, इसमें स्वयं अंचलाधिकारी आकर के चेक करे, और उनको लग रहा है कि अगर बाढ़ नहीं है तो इसकी इस स्थिति को खुद आकर के आकलन ले। बाढ़ पूर्ण रूप से, मैं कहता हूँ मैं अपने बिरोल प्रखंड के CO साहब से यह रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो अपने स्तर से जांच करावे या खुद आकर जांच करे। मैंने उनसे प्लास्टिक भी वितरण करवाया, जो घर घर में पानी था जिसके कारण उन्होंने प्लास्टिक वितरण करवाया, चारा अभी तक नहीं मिला है, मैंने चारा के लिए भी बात किया हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिरोल के न्योरी पंचायत के 1 से लेकर 7 वार्ड को पूर्ण रूप से बाढ़ घोषित किया जाए। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ पर सामुदायिक किचन की व्यवस्था होनी चाहिए या उसकी ज़रूरत नहीं है? सामुदायिक किचन की व्यवस्था हो गई थी, जिस दिन प्लास्टिक का वितरण हुआ था उसी दिन सामुदायिक किचन की व्यवस्था हुई, और जिसमें 10 लोग हमारे यहाँ के थे, जो कहुआ निकट पड़ता है, कहुआ विद्यालय पर सामुदायिक किचन चल रहा था, और उन लोगों को कहा गया कि आप कहुआ विद्यालय पर जा करके सामुदायिक किचन का भोजन करें, लेकिन वहाँ स्थिति यह थी कि 6 कटन था, और 6 कटन को टप करके वह खाने के लिए जाते तो हो न हो कोई हादसा हो जाता, इस कारण से वो लोग सामुदायिक किचन में भोजन करने नहीं जा पाए, जिसके कारण उनको बंद कर दिया गया। सामुदायिक किचन वहाँ चल रहा था, कहुआ के भी ग्रामीण थे, उन लोगों को जब तक चलना था चल रहा है, अभी चल रहा है या नहीं यह मुझे स्पष्ट जानकारी नहीं है। चलिए, फिलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ, हमारे साथ कुछ ग्रामीण है जिनका ये घर है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप बताएं, थोड़ा आगे आ जाएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार चौधरी है, उर्फ टुनटुन जी कहते हैं सब। जी, ये घर पीछे जो आपका जी जी है। ये मेरा घर है, पानी से घिरा हुआ। जी जी, हम 4 परिवार में सदस्य हैं, जो हमारी धर्मपत्नी है, ये बच्चे हैं 2.5-3 साल का, इसके साथ हम यहाँ पे रह रहे हैं, और ये विषम स्थिति में आज 2.5 महीना से हम पूर्व 2.5 महीना पूर्व से रह रहे हैं, और आगामी कितने महीना तक रहना पड़ेगा कोई निश्चित नहीं है। ऐसे स्थिति में हम लोगों को कोई जनप्रतिनिधि अभी तक देखने के लिए नहीं, खोज पुछार करने के लिए नहीं आया है, चाहे वो बिरोल प्रखंड का हो या पंचायत लेवल का हो, कोई अभी तक देखने का पूछने के लिए नहीं आया। क्या लगता है कि इसका परिणाम कहने के पंचायत चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? जी जी, बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। जो प्रतिनिधि है, जिसको हम पिछले 5 वर्ष पहले वोट दिए हैं, वो कुर्सी मिला है, वो अभी तक कोई पूछने के लिए नहीं आए कि आप लोग ऐसे स्थिति में कैसे रह रहे हैं, तो उसको हम कैसे वोट देंगे? एक बार वोट लिए, हाथ पांव जोड़ करके अपना कुर्सी मिल गया, माल कमाने के चक्कर में अपना घर बैठे माल कमा रहे हैं, ऐसे में थोड़ी ना दोबारा उसको पद मिल सकता है, कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे प्रखंड का हो या पंचायत का हो, ऐसे स्थिति में तो वोट नहीं मिलेगा। आपकी सरकार से क्या मांग है इस वक्त, क्या होना? हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि इसका निवारण, इसका ये जो समस्या बनी हुई है, ये समस्या जिस तरह से निदान हो उसकी निदान किया जाए, जैसे ये मेन रोड है, मेन रोड में एक भमरा दिया जाए, उससे भी निदान हो सकता है, या चाहे उस पर कोई वो पुल बन जाए उससे भी निदान हो जाए। कुल मिलाकर बात यह है कि जल निकासी का जो व्यवस्था है वो उचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण जल जमाव उत्पन्न हो जाता है, चाहे बाढ़ आए या न आए, बरसात के पानी से ही जल जमाव हो जाती है, क्योंकि चारों ओर जो है बांध है, सड़क है, लेकिन पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण पानी जमा हो जाता है और फिर यहाँ के लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी पूरे 6 माह इन लोगों को पानी में रहना पड़ जाता है। फिलहाल
हमारे साथ इंद्रमोहन जी है। जल जमाव को लेकर जिस तरह से स्वर्णा सिंह जो गौरा बोराम यानी क्षेत्र का विधायक है, उन्होंने लगातार प्रयास किया है और अभी उनका अचल प्रयास रहा है, तो क्या कहते हैं कि स्वर्णा सिंह इसके लिए जो इस तरह से प्रयास किया है कि यहाँ का जल निकासी हो सकता है, उसका समाधान हो सकता है? हम लोगों ने हम जदयू से जिला महासचिव हैं और हमारे दल के साथ ही वीआईपी के दल से लड़े हैं स्वर्णा सिंह जी जो यहाँ के विधायिका हैं, तो हम लोगों ने उनके निगाह में यह चीज़ दे दिए हैं कि यहाँ जो जल जमाव की संकट है इसका निवारण आप अति शीघ्र करवाने का कार्य करें, और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि मैं अपने स्तर से इसको टेंडर में दे करके काम करवाऊंगा। तो टेंडर में जब जाएगा तब, टेंडर मतलब हो गया कि आपको ये फरवरी और मार्च की बात हो जाएगी, अप्रैल में जा करके वर्क होगा। लेकिन अभी जो समस्या है, यह लगभग तीन वर्षों से इस स्थिति में लोग रह रहे हैं। लेकिन स्वर्णा सिंह अभी भी विधायक बनी है, तो ऐसे में क्या है? ऐसे में उनका तो कहना हुआ है, लेकिन कहने से तो नहीं होता है, करके दिखाना होगा। और वो आश्वस्त किए हैं कि मैं इस कार्य को कर दूंगा, लेकिन जब कर दीजिएगा। हाँ, से पानी हो रहा है तब से भरा हुआ, 3 महीने से अभी दियादी को घर में रहते हैं। क्योंकि पानी जल जमाव जो है यहाँ पे, पानी मतलब बहुत दिन से यहाँ पे जवाब है, जिसके कारण हमको आवागमन में बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो पहले आप अपना परिचय दें। जी, हमारा नाम मुरारी चौधरी है जी। तो यहाँ पे बहुत दिन से पानी अटका हुआ है, यहाँ पे बहुत लगता है जो बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हो चुका है।